अब खबर गाजीपुर से है, जहां कोरोना महामारी के दौरान गाजीपुर के हालात बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं और अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर बीराय का कहना है कि मरीज हमारी आंखों के सामने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। उनका कहना है कि आज 3 में से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हैं और 1 ऑक्सीजन सिलेंडर से हम कितने मरीजों का इलाज करें। ऐसे हालात में जो मरीज मेरे सामने मर रहे हैं, मैं तो नौकरी छोड़ना बेहतर समझता हूं। बता दें कि कल ही जिला अस्पताल में मरीजों की तीमारदारों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तीमारदार ऑक्सीजन सिलेंडर की छीना छपटी करते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले पर डीएम एमपी सिंह ने खुद वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी थी और कहा था कि जनपद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर उनके दावों की आज एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हमारे यहाँ इमरजेंसी में इस समय 95% होता है ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सिलेंडर अवेलेबल होता है, अभी 2 सिलेंडर हमारा खाली हो गया, बस 1 सिलेंडर भरा पड़ा है, हमारे पास भरा हुआ है बस। तो सिर्फ इस समय तत्काल में हमारे पास 1 सिलेंडर भरा हुआ है अवेलेबल, उसी में हम 10-10 मिनट मरीजों को चेंज करते रहा हूँ। जो ज़्यादा सीरियस होता है उसको पहले लगा रहा हूँ, बाद में किसी और को लगा रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे सामने मरीज एक्सपायर कर रहा है और मैं तमाशा देख रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा ऊपर से, ताकि हमारे इमरजेंसी में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, कम से कम 8 या 10 ऑक्सीजन सिलेंडर है, ताकि मरीज को मैं एसेंशियल जो नीड है वो तो मैं दे सकूँ। जिला अस्पताल में अब ऑक्सीजन तो एक आध दिन थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन एकदम खत्म नहीं था। कल से तो पर्याप्त ऑक्सीजन आना शुरू हो गई है और ऑक्सीजन की वर्तमान समय में कोई कमी नहीं है। देखा जा रहा है कि सर अभी कुछ देर पहले, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें सर, तो हमारा जिला अस्पताल में किस तरह के अवेलेबल है, उसकी उपलब्धता कितनी है, क्या ऑक्सीजन जिला अस्पताल में जो छोटे सिलेंडर हैं वो 54 है, बड़े वाले 27 हैं, और अभी 2 दिन पहले सीएमओ साहब ने 10 बड़े दिया था, इसी वजह से कल जो है कल हम लोग के पास टोटल जो है 31 बड़े वाले जो है हम लोगों को हो गए थे। इसके अलावा एक छोटी मशीन भी ऑक्सीजन की देखी जा रही है, वो किस तरह की मशीन है? वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो वातावरण की हवा से ऑक्सीजन बनाता है। उसकी संख्या क्या है यहाँ पे? 40 है सर। एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे मरीजों की संख्या जो है तादाद बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल कम होने का आरोप लगा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे ऐसे गंभीर मरीज पड़ रहे हैं और बहुत सारे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा, कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? देखिए, हम लोग के यहाँ जैसे कुछ मरीज तो एकदम ही खराब स्थिति में जो आ रहे हैं उनको संभालना मुश्किल हो जा रहा है, इमरजेंसी में ऑक्सीजन लगाने तक आधे घंटे एक घंटे के अंदर ऐसा हो जा रही है दुर्घटना। कोशिश ये किया जा रहा है कि ऑक्सीजन हम लोग पहले जिन मरीजों को ज़्यादा क्राइसिस है, 60% 70% SpO2 है, पहले उनको मैनेज करके जान बचाया जाए। तो इस तरह की प्रक्रिया लगातार की जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज भी हम देखे हैं कि लेके गोदी में आए हैं, मर गए हैं और बिना स्ट्रेचर के सर बाहर लेके चले गए हैं। इस तरह की भी हम लोग की तस्वीरों में कैद भी है वीडियो, तो इसको लेके क्या स्ट्रेचर के लिए तो निर्देशित किया गया है कि स्ट्रेचर जिसके जो भी मरीज अंदर आता है बताता है कि बाहर मरीज है, हमारा स्ट्रेचर चाहिए मुझे, तो उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में COVID-19 कोरोना संक्रमण का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, ऐसी स्थिति में मेरी जनपद वासियों से अपील है कि वे कृपया अपनी जांच जरूर कराएं। यदि उन्हें कोई भी सिम्टम्स महसूस होता है, जैसे गले में खांसी, दर्द, बुखार, हेडेक या सीरम के साथ बुखार, इस तरह का कोई भी सिम्टम्स उन्हें नज़र आता है तो वे जरूर जांच कराएं। जांच अपने निकटतम PHC CSC पर जाकर सरकारी चिकित्सालय में जाकर करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल टीम्स भी हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी जाँच करा सकते हैं, लेकिन जाँच ज़रूर कराएँ। और सभी से अपील है कि कृपया वे भीड़ में जाने से बचें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और हाथों में सैनिटाइजर या हाथों को बार बार साबुन से धुलते रहें। इसके साथ ही मेरी उनसे भी अपील है कि जिनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उसे इलाज में कोई दिक्कत आ रही है, वो हमारे इंटीग्रेटेड कोविड एंड कमांड सेंटर में टेलीफोन नंबर, जहाँ टोल फ्री नंबर भी है और लैंडलाइन नंबर्स भी लगे हुए हैं, वहाँ फ़ोन कर सकता है। वो फ़ोन करने के बाद उसे हम पूरी मदद करेंगे, पूरी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे जिला अस्पताल में, और जिला अस्पताल के अतिरिक्त हमारे ऐसे 13 और हॉस्पिटल, कुल जनपद में इस समय 14 L2 लेवल के हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहां हमारे पास 950 से अधिक बेड उपलब्ध हैं, बेड की कोई कमी नहीं है।
यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसे कोविड पॉजिटिव होने के उपरांत बुखार है, बुखार कम नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो वो इन 14 हॉस्पिटल्स में से किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करा सकता है। यदि ऑक्सीजन या कोई अन्य चिकित्सीय सुविधाएं चाहिए तो हमारे जनपद में मौजूद हैं, लेकिन मेरी सबसे अपील है कि कृपया संयम से और धैर्यपूर्वक काम लें और चिकित्सकों के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार न करें जिससे उन्हें चिकित्सीय कार्यों में कोई असुविधा होती हो। यहाँ पर सर समस्या ऑक्सीजन है ही नहीं सर, किसी वार्ड में चलिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सर, हर वार्ड में ऑक्सीजन का टंकी खाली हुआ है। आपकी मरीज, आपके मरीज की क्या स्थिति है? हमारे मरीज का स्थिति ये है सर, 45 चल रहा है सर ऑक्सीजन लेवल। यहाँ से व्यवस्था की जा रही है? नहीं सर, अभी कोई आ नहीं रहा है, एक दो नर्स है, क्या कोई देखे कैसे देखेगा।